अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मदीना शरीफ जो पुराने वक्तों का था, इसके बाद न्यू वाला भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वही आपको पता है जो पुराना होता है उसमें ईंटों का बना होता है, ठीक है। तो उसका जो कलर है उसका टेक्सचर दे दिया, साइड पे पहाड़ थे, जो पहाड़ों को मतलब तीन चार शेड मैंने दिए थे, ब्राउन और फिर ब्लैक वाइट ऐसे करके, ठीक है। साथ में दरख्त है। अच्छा, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मिल नहीं रहा था, तो मैंने काफ़ी ढूंढा, ऐसी एक पिक्चर मुझे मिली तो मैंने फिर ऐसा ही देख के बना दिया। कैनवस मेरा छोटा है फिर भी हमने सेट कर लिया था, ठीक है। ट्री बनाने के बाद बेस बना लेती हूँ ना, फिर उसके बाद उसको ड्राई होने का टाइम देती हूँ, ताकि जब अगला काम करूँ ना तो वो नीट हो जाए, क्योंकि फिर ऐसा होता है वो नीचे वाला कलर ऊपर वाला कलर मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है, ठीक है। पहाड़ों पे देखिए, जैसे मैंने ब्राउन दिया था उसको ड्राई होने का टाइम दिया और फिर ब्लैक का टोन दे दिया, ठीक है। अभी जो ज़मीन है आपको पता है मिट्टी मिट्टी होती थी पहले, तो वही वाला कलर दिया, इसको भी तीन चार टोन दे देंगे। साइड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, अब वहाँ भी मिट्टी का एक टेक्स्चर देना है, हमने मिट्टी का टेक्स्चर दिया था, ठीक है। मैंने कोशिश किया है काफ़ी के मतलब नीट बन जाए, बाकी इंशाल्लाह नीट ही बना होगा। आप लोगों पे है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता आप लोगों का। बाकी सब पे तो बहुत अच्छा आया रिस्पॉन्स, इंशाल्लाह इस पर भी आएगा मुझे उम्मीद है। अच्छा, ऊपर स्काई था, स्काई के लिए ब्लू कलर दिया, लाइट ब्लू। फिर उसके बाद मैंने डार्क ब्लू के साथ ना ब्रश के साथ ही टैप टैप करके थोड़ी सी शेडिंग दे दी थी, और फिर वाइट के साथ भी ऐसे टैप टैप करके शेडिंग दे दी थी, मतलब वो क्लाउड का थोड़ा इफेक्ट देना था बस, और कोई बात नहीं थी। हाँ जी, बाकी ये है कि तीन कलर स्कीम भी अच्छा, पता है क्या, जो पुरानी पिक्चर्स होती है ना उसमें कलर्स आपको सही से नहीं पता चलते, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। देखिए जैसे टैप टैप किया ना, इससे मर्ज भी हो गया और शेड भी आ गया। अच्छा, जो मैं पुराने होते हैं ना उसमें कलर आपको सही से ना पता चलते हैं, और ना मतलब ये खुद का ही होता है आपका जो आप दे रही हो, क्योंकि उसकी पिक्चर भी ना बिल्कुल ग्रे कलर की होती है, कि अगले को समझ ही नहीं आए कि इसमें क्या कलर है क्या नहीं है। सेम इसमें भी यही है, मुझे कलर नहीं पता थे, ठीक है, क्योंकि एक पिक्चर जो मैंने ली थी ना वो भी ऐसी थी जैसे ग्रे कलर की, पुराने वक्तों की पिक्चर नहीं होती, सेम वैसे थी। तो मैंने थोड़ा बहुत मतलब ये मिट्टी चिट्टी वाला हिसाब तो लगा लिया कि इसका यही कलर होता है, ठीक है। बाकी जो है, बाकी सबका जो था ज़रा थोड़ा मुश्किल था, मैंने कहा कि बंदा गलत ना बना ले, ठीक है, क्योंकि देखो पता तो सबको होता है, लेकिन जब हम बनाने पर आते हैं ना तो हमारा होता है कि सही बनाए, नीट बनाए, साफ़ बनाए, और सेम वैसे बनाए बाद में गुनाह ना हो हमें। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर तीन खिड़कियाँ, नीचे खिड़कियाँ, और ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये हाफ अलग अलग पोर्शन है। अगर आप ये दरार आ गई दीवार में, अच्छा ये दीवार अलग है, वो ऊपर वाली दीवार अलग है, ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर भी एक सारा पोर्शन है, वो दरवाज़ा है, पूरी दीवार है, और फिर ऊपर भी सेम ऐसे ही दरवाज़े, ठीक है, और फिर उनकी आउटलाइन वगैरह की ब्लैक के साथ ही। अच्छा, और फिर उसके बाद सेम दोनों की आउटलाइन की है, और पीछे वाले की भी ऐसे ही आउटलाइन की है, ठीक है। फिर हमने ईंटों का टेक्सचर दिया सब में। हाँ, अब आपको पता चल गया होगा ना, ये दीवार अलग है, वो दीवार अलग है, ऊपर वाली अलग है, और फिर इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे बनी हुई थी क्योंकि ये पुराने वक्तों का था। अभी सारा जो है ईंटों का बना हुआ था, सब पे ईंटों का टेक्सचर आएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब वो देखिए साइड पे भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ऐसे ही बना हुआ था जैसे एज इट इज़। तकरीब कुछ आगे पीछे हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि सेम टू सेम एज इट इज़ बनाया है, ठीक है। और हमेशा की तरह मैं ये कहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी ऐसी पक्की अच्छी वाली आर्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी गलती कर सकती हूँ, हर इंसान गलतियाँ करता है, तो कोई गलती कोताही हो गई इसमें बनाने में तो माजरत, ठीक है, और दुआओं में याद रखें, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप लोग पता है कि रोजे कैसे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो ट्री था ना, इसका भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, लेकिन खैर मैंने बना लिया तीन चार टोन के पत्ते वत्ते बना के ना, फिर उसमें एंड में फिर मैंने दरख्त के दोबारा से आउटलाइन देखकर फिर दोबारा ग्रीन कलर के पत्ते बनाए थे, तो ठीक बना था, क्योंकि इसमें तीन चार टोन आ गए ना, देखा येलो भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, लाइट ग्रीन भी आ गया, और ब्लैक
ग्रीन ब्लैक के साथ जो ग्रीन का टच आता है वो भी आ गया। अभी ड्राई होगा तो उसमें लास्ट में पत्ते एंड में ही आते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए मैंने ईंटों का टेक्सचर देना था तो मैंने थोड़ा सा दिया आप लोगों के सामने, बाकी मैंने ना बाद में रिकॉर्ड नहीं किया। ये देखिए इतना मैंने बता दिया, अब देखें टेक्सचर दे दिया। अब वाइट से हमने वो जो ऊपर होता है ना उसके वो किया, ठीक है। देखें वाइट से सारा लुक निकल आई है जो मैं बनाना चाह रही थी, अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आराम आराम से करें। अच्छा देखें मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने आप लोगों को ड्राइंग नहीं सिखाई, ठीक है। ये मैं जो भी बना रही ना ये भी अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं करते, बस कहते हैं ये बन गया ना यहाँ से चला जाए बिकर जाए। तो ये मैं अपने लिए बनाती हूँ, जो भी अभी तक मैंने बनाया है बेचने की कोई भी नहीं होती, लेकिन कोई ले ले तो उसकी मर्ज़ी, लेकिन मेरा खुद का कोई माइंड नहीं होता अभी बेचने का या कुछ करने का, क्योंकि ये मेरी खुद की है और मैं खुद मेरा दिल करता है बनाने का तो मैं बनाती हूँ, ठीक है। ये मैं किसी के लिए नहीं बनाती कि कोई ले ले या ये वो, कि मैं अपने लिए बनाती हूँ सब कुछ, ठीक है। एक आर्टिस्ट के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना दिली सुकून कि यार हाँ मेरे पास मेरा काम है ये वो, तो ये मैं अपने लिए बनाती हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखिए मीनार पे भी मैंने ऐसे ऐसे जो डिज़ाइन बना हुआ था हल्का सा मैंने देखा था, ठीक है। एक ईंटों का ऊपर ऊपर ये खिड़की बना दी, पूरा नहीं बन पाया क्योंकि मीनार जो है वो इसलिए क्योंकि मेरा कैनवास छोटा था बस, इसलिए नहीं बन पाया। अच्छा अभी देखिए ट्री की मैंने एंड में की है, उसकी ब्रांचेस निकाल के ना उसमें फिर पत्तों का टेक्सचर दे दिया, ठीक है। हाँ ज़रा ना ऐसे होता है कि मुझे खुद को सेटिस्फाई हो जाती हूँ अपने काम से और कोई बात नहीं है, ठीक है। छोटे से कैनवास पे मैंने कोशिश तो पूरी किया कि अच्छा सा बना सकूँ।